तो हम सभी देखते हैं कि उन दोनों ओमनी लॉर्ड के सामने ग्रैंड प्रीस्ट काफी बुरी हालत में होते हैं, और तभी पहला ओमनी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करने के लिए अपना एक हमला करता है। लेकिन तभी वहां पर गोकू आ जाता है, और गोकू को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। ड्रैगन लॉर्ड जालामा भी कहते हैं, नहीं ये नामुमकिन है, आखिर भला तुम यहाँ पर कैसे, एक मॉर्टल का यहाँ पर आना असंभव है। ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू को देखकर हैरानी के साथ कहते हैं, क्या आखिर तुम यहाँ पर, लेकिन भला कैसे गोकू। और तभी हम देखते उस पहले ओमनी लॉर्ड को जो कि कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे हो सकता है, एक सैयन और वो भी हमारे ओमनी लॉर्ड पैलेस पे, लेकिन कैसे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर बिना बताए आ गया, लेकिन मुझे मालूम चल चुका था कि यहाँ पर आप हमारे मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर आए हो, तो मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। और हाँ, साथ ही मुझे इसके लिए भी माफ करना, मुझे आपके गार्डियंस मिले थे इस ओमनी पैलेस के बाहर, जिन्हें मैंने खत्म कर दिया। इस बात को सुनकर वो पहला ओमनी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन लॉर्ड जालामा बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं, रुक जाओ, ये कोई मामूली सैयन नहीं लगता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो गोकू। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है ड्रैगन लॉर्ड जालामा, आप मेरे बारे में जानते हो, ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिसके ऊपर तभी जालामा कहते हैं, तुम्हारे बारे में मैं जरूर जानता हूँ, मल्टीवर्स 7 के अंदर जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, तुम ही वो सैयन मॉर्टल थे जो कि उस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन किए थे, और मुझे ये जानकर हैरानी हुई थी कि इस समय पर भी एक ऐसा सैयन मौजूद है जो कि अल्ट्रा एंशिएंट को हासिल कर सकता है। उसी समय से मुझे मालूम चल गया था कि आने वाले समय के अंदर तुम सैयंस हमारे लिए वापस से खतरा बनने वाले हो, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं यहाँ पर दो कारण की वजह से आया हूँ, पहला कारण तो यह है कि मैं यहाँ से ग्रैंड प्रीस्ट को सही सलामत वापस ले जाने के लिए आया हूँ, और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर वो पहला ओमनी लॉर्ड गुस्से में कहता है, क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे होते हुए ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ से ले जा सकते हो सैयन, तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, चलो देखते हैं कि आखिर तुम ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ से कैसे ले जा पाते हो। हम देखते कि गोकू तभी ग्रैंड प्रीस्ट के पास चले जाता है, और वो ग्रैंड प्रीस्ट को खड़े करने की कोशिश करता है। ग्रैंड प्रीस्ट इस समय पर काफी बुरी हालत में होते हैं, और तभी गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप सही सलामत हो, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ गोकू, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। जिसपे गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, ये लोग मुझे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों है ना ड्रैगन लॉर्ड जालामा, आप तो समझ ही चुके होंगे। जिसके ऊपर तभी हम देखते उस पहले ओमनी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और तभी वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन उस ओमनी लॉर्ड का हमला गोकू के आर पार हो जाता है। और तभी ड्रैगन गॉड जालामा कहते हैं, रुक जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस सैयन के पीछे अपनी एनर्जी और अपना समय बर्बाद करोगे, इस सैयन की आधी एनर्जी इस समय पर कहीं और है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ये भला इसने कैसे किया, लेकिन हाँ, जब तक इसकी पूरी एनर्जी इसके शरीर से नहीं मिल जाती, हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। हम देखते ये सुनकर गोकू मुस्कुराता है। ग्रैंड प्रीस्ट भी ड्रैगन लॉर्ड जालामा की बातों को सुनकर हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, क्या आखिर भला गोकू, तुमने ऐसा कैसे किया। जिसपे गोकू कहता है, मैं सारी बातें आपको बाद में बताऊंगा ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन सबसे पहले मुझे इनसे बात करने दीजिए, मुझे इनसे काफी जरूरी बात करनी है। ये कहने के बाद गोकू अकेला ही
उन दोनों ओमनी लॉर्ड के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे मालूम है कि आप सभी थोड़े चिंता में हो क्योंकि आपके साथ ही 5 ओमनी लॉर्ड मारे गए हैं, लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप मल्टीवर्स 7 को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे ऐसे मासूम लोग भी रहते हैं जिनका इन सभी से कुछ भी लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा, क्योंकि मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा सुना है कि आप काफी अच्छे हो और आप किसी भी मासूम शख्स के साथ जागती नहीं होने देते, और मल्टीवर्स 7 के अंदर इस समय पर काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इस लड़ाई से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो मैं आप सभी से वापस विनती करता हूँ दोनों ही ओमनी लॉर्ड कि आप मल्टीवर्स 7 के ऊपर हमला ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही काफी शक्तिशाली हैं। जिसके ऊपर ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कुछ भी नहीं बोलते, वो एकदम शांत बस खड़े होते हैं। लेकिन तभी वो पहला ओमनी लॉर्ड कहता है, वाकई में तुम सेयन या तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो या तो तुमने हमें बेवकूफ समझ के रखा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या 5 ओमनी लॉर्ड कोई मजाक बात है? इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर तुम्हारे ही मल्टीवर्स के जैसे कई और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। हम 7 ओमनी लॉर्ड का कर्तव्य था इन सभी ओमनीवर्स के अंदर शांति बनाए रखना। क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस ओमनीवर्स के अंदर न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम ओमनी लॉर्ड ने रोक रखा था। और जब उन सभी को ये बात मालूम चलेगी कि अब 5 ओमनी लॉर्ड नहीं रहे, तो वो वापस अपने घिनौने काम करने के लिए उतर आएंगे इस ओमनीवर्स में कब्जा करने के लिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम सैयंस की वजह से ही दोबारा चालू हुआ है। इसका अब कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम लोगों के मल्टीवर्स को हम बख्श दें, समझे सैयन? जो सुनकर गोकू कहता है, मैं ये सब आपसे बड़ी प्यार से कह रहा हूँ कि आप उस मल्टीवर्स में हमला ना करें, नहीं तो आपको भी मालूम है कि उस मल्टीवर्स के अंदर के सैयन के अंदर कितनी ताकत है कि उन्होंने 5 ओमनी लॉर्ड को पहले ही खत्म कर दिया है। और अगर आप दोनों भी ऐसा करते हैं तो मजबूरन हम सैयंस को आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम देखते कि गोकू की इन बातों को सुनकर वो पहला ओमनी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है, हे सैयन, अपनी जबान संभाल के बात करो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिरकार तुम किसके सामने खड़े हो? तुम हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हम देखते कि तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है। वो ग्रैंड प्रीस्ट को उठा लेता है और गोकू कहता है, आपके सामने मैं ग्रैंड प्रीस्ट को यहां से सही सलामत लेके जा रहा हूं। अगर आप में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाइए। उसके अलावा अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे मल्टीवर्स से दूर रहना, क्योंकि उस मल्टीवर्स के अंदर मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, और मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं एक बार पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं, इस बार मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराने वाला, समझे? मैं यहां से ग्रैंड प्रीस्ट को ले जा रहा हूं और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर वहां से जाने लगता है, और तभी वो ओमनी लॉर्ड गुस्से के साथ ही गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा बीच में आते हैं और वो कहते हैं, शांत हो जाओ, इस समय पर तुम और कुछ नहीं बल्कि अपनी एनर्जी और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हे सियन गोकू, मुझे मालूम है कि इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और उन सब के अलावा तुम्हारे मल्टीवर्स के सैयंस के बारे में भी। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता दूं कि तैयार रहना, क्योंकि हम दोनों वहां पर बहुत ही जल्दी आएंगे और हम दोनों अकेले बिल्कुल भी नहीं होंगे। जाकर अकुमो और यामोशी को ये सभी बातें बता दो। जिस पर वो पहला ओमनी लॉर्ड भी कहता है, और हाँ, जाकर अपनी बची कुची जिंदगी को जी लो, क्योंकि जब हम वहां पर आएंगे तुम्हारे मल्टीवर्स को हम धूल में बदल देंगे। हम देखते कि तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर वहां से चले जाता है, और तभी रास्ते में ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू, आखिर तुम यहां पर कैसे, और भला तुम अपनी आधी एनर्जी कहां पर छोड़कर आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे माफ करना कि पहले के समय पर मैंने काफी सारे गलत फैसले लिए थे, लेकिन इस समय पर मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि आखिरकार मुझे आगे क्या करना है।
मुझे मालूम था कि अगर मैं अपनी आधी एनर्जी को कहीं और छोड़ के आता हूँ तो ये लोग मुझे नहीं खत्म कर पाएंगे। ये सब मैंने फादर ऑफ सीएन के साथ ट्रेनिंग करते हुए सीखा था, और इस समय पर मेरी आधी एनर्जी हमारे ही मल्टीवर्स के अंदर है, और उन सभी की वो ज़रूर मदद कर रही होगी, तो हमें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना होगा और ये सारी बातें उन सभी को बतानी होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये दोनों ही ओमनी लॉर्ड अकेले वहाँ पर नहीं आने वाले। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है गोकू, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मेरे कहने का ये मतलब है ग्रैंड प्रीस्ट कि वो ज़रूर बाकी के ओमनी गॉड्स का भी इन सभी में साथ ज़रूर लेंगे, ताकि वो हमारे मल्टीवर्स को ख़त्म कर पाए, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स के अंदर अब पहले सुपर सीएन गॉड भी आ चुके हैं, तो अब हमारा मल्टीवर्स काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। बस अब हम सभी को एक साथ मिलकर उनका सामना करना है, और यही शायद हमारी अब आने वाली आगे की तकदीर लिखने वाला है। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर अपने मल्टीवर्स में बड़ी तेजी से निकल जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा और उस पहले ओमनी लॉर्ड को। वो पहला ओमनी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, आखिर क्या तुमने ये देखा ज़ालामा, उन सैयंस की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो सैयंस यहाँ पर आके हमें ही चैलेंज करके गया है। उस सैयन गोकू को मैं नहीं छोड़ूंगा, उस मल्टीवर्स में जाके सबसे पहले मैं उसे ही खत्म करूंगा। जिसके ऊपर ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कहते हैं, शांत हो जाओ और इस बात के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना कि उस मल्टीवर्स के अंदर उस सैयन गोकू के अलावा भी बहुत से ऐसे सैयन हैं जिनका हमें सामना करना है, तो अपने दिमाग को शांत रखो। और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मेरा विश्वास करो ज़ालमा, उस मल्टीवर्स के अंदर मैं जाकर इस तरह की तबाही मचाऊंगा कि उस मल्टीवर्स का नामो निशान इस तरीके से मिट जाएगा कि मानो कभी वहां पर वो मल्टीवर्स था ही नहीं। और अब बस बहुत हुआ, इन सैयन से मैं थक चुका हूं, और समय आ चुका है कि हम उस मल्टीवर्स को धूल में बदल दें।